अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरजमीन को अल्लाह ने वो खूबसूरती बख्शी, यही जमीन पर आज हमारे बैरिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे साए हमारे सरों पे बाबू सिंह कुशवाहा जी का भी हाथ है। बाबू सिंह कुशवाहा जी सलाम माननीय बाबू सिंह मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कह दिए तो बीजेपी के सपा के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये नई बात क्या कर दिया, यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिले, हमारी बेटियों को ताकतवर बनाया जाए। अरे सर पर टोपी पहनना और सर पर हिजाब पहनने से दिमाग के ऊपर कोई कवर नहीं हो रहा है, दिमाग खुलता है। और भारत के संविधान में टोपी पहनना हिजाब पहनना मेरा राइट टू चॉइस है, मेरा बुनियादी अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मेरी माँ और बहनों से अपील है, और सपा वाले तो बहुत खामोश बैठ, अहमियत नहीं है समाजवादी पार्टी में, याद रखो। अगर आपको अपनी अहमियत और अपनी ताकत दिखाना है तो आपको मजलिस के उम्मीदवार के अपने वोट देना पड़ेगा। आप इसको कामयाब करिए तालिब को, आप तालिब को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला भोजपुर में एक नई तारीख लिखी जाएगी, विकास सही तरीके से होगा। आपने एक परिवार को कितना मौका देंगे, कितने बार आपने उनको विधायक बनाया, अब की बार आप एक जमीन से जुड़े हुए एक बेहतरीन और मुखलिस मजलिस के प्रत्याशी जनाब तालिब सिद्दीकी के हक में वोट देकर पतंग के निशान पर उनको कामयाब करवाइए। और वहां पर जो हमारी माँ और बहने खड़ी हुई है मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, जो नहीं है उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। और संविधान, भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान ये कहता है